हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो उनके लिए है जिनका बजट 6 लाख से लेकर 7 लाख रुपए तक है और वो एक हैचबैक अफोर्ड अगर करना चाहते हैं तो भाई ये गाड़ियाँ आज उनके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहने वाली है। वीडियो में अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो टाटा ने अपनी टियागो CNG और मारुति ने अपनी सिलेरियो CNG को लॉन्च कर दिया है ऑलरेडी। भाई बात कर लेते पहले मारुति सुजुकी सिलेरियो की CNG की, आपको क्या क्या मिलने वाला है पहले वो बता देता हूँ मैं आप लोगों को। भाई ये गाड़ी आप लोगों को 6,58,000 रुपये एक्स शोरूम दिल्ली के प्राइजिंग से मैं बता रहा हूँ मिलने वाली है, और केवल इसमें आपको एक ही वेरिएंट मिलने वाला है। और सबसे अच्छी बात, कंपनी इसमें क्लेम करती है उनकी मारुति जो सिलेरियो है वो 35.60 किलोमीटर पर KG का माइलेज देने वाली है। तो चलिए अच्छी बात है, इतना माइलेज दे रही है, लेकिन अब बहुत कठिन तो इसमें ज़रूर सकती गई होगी वरना। चलो बात आगे कर लेते हैं, इसके इंजन ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो ड्यूअल जेट ड्यूअल VVT के सीरीज 1 लीटर K10C नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन इसमें मिलने वाला है आपको, जो कि आपको पेट्रोल में 65 HP और 89 Nm का टॉर्क देगा। और कंपनी फिटेड CNG की बात कर लेते हैं इसमें CNG की, तो 56 HP और 82.1 Nm का पिक टॉर्क आपको मिलेगा। 5-speed मैनुअल और AMT में भी ये दोनों में मिलने वाली है आपको मारुति सुजुकी सिलेरियो 2022। और बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर की, तो यार इंटीरियर की तो अब क्या ही बताऊँ मैं, जो ओल्ड जनरेशन थी सिलेरियो उसके अंदर काफ़ी लगभग काफ़ी अच्छा था इंटीरियर, बाकी अब इसमें तो और ज़्यादा क्रॉस कटिंग कर दी है। काफ़ी सारे यूट्यूब में इसके बारे में वीडियो बनी है, आप चाहें तो देख सकते हैं यूट्यूब में। कहीं बात कर लेते हैं भाई इसकी, अब मेन जो बातें हैं वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। तो जो ओल्ड जनरेशन सिलेरियो थी वो तो NCAP में 0 स्टार रेटेड थी, उसने 0 स्टार रेट किया था, और नई सिलेरियो का भी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो पहले आप इसकी सेफ्टी रेटिंग आ जाने दीजिएगा, उसके बाद आप मारुति सिलेरियो के साइड जा सकते हैं, क्योंकि माइलेज तो चलिए ठीक है अच्छा है, लेकिन अब सेफ्टी भी मैटर करती है भाई। इसलिए भाई ओवरऑल अगर लुक्स की बात की जाए मारुति सुजुकी सिलेरियो 2022 की, तो भाई ये पर्सनली मैं बता रहा अपना ओपिनियन कि मेरे को पर्सनली ऐसा उसका लुक लगा ना जैसे अल्टो में ना थोड़ा और हवा भर दी गई हो तो वो थोड़ा सा बड़ी हो गई है। ये मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरी थॉट क्या है मारुति सिलेरियो को लेकर के। तो वहीं बात कर लेते हैं टाटा के साइड से आने वाली ICNG 2022 टियागो के बारे में। भाई तो जहाँ आपको सिलेरियो में मारुति सिलेरियो में 1 लीटर का इंजन मिल रहा था, वहीं आपको टाटा टियागो में 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन आपको मिलने वाला है। बात करें AMT की, तो AMT आपको टियागो में नहीं मिलने वाला है। और भाई वेरिएंट में अगर बात करें तो वेरिएंट जैसा कि मारुति वाले आपको एक ही वेरिएंट दे रहे थे, तो लेकिन यहाँ पे टाटा के साइड से 3 वेरिएंट आपको टियागो में मिलने वाले हैं, जो कि हैं XM, XT और XZ प्लस। भाई बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर की, तो मारुति सुजुकी सिलेरियो 2022 से आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन इंटीरियर आपको टाटा टियागो CNG का मिलने वाला है। भाई अगर एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं, तो एक्सटीरियर में भी आपको मारुति सुजुकी सिलेरियो से एक माचो लुक आपको देखने के लिए मिलेगा टाटा टियागो में। बात अगर इसके माइलेज की करते हैं, तो कंपनी क्लेम करती है कि 25 से 30 का ये माइलेज दे सकती है, लेकिन अब भाई वो ड्राइविंग के ऊपर भी होता है। वहीं बात इसके बूट स्पेस की कर लेते हैं, तो बूट आपको दोनों में ही कुछ भी नहीं मिलने वाला, ना टियागो में और ना मारुति सुजुकी सिलेरियो में। तो ओवरऑल अब फाइनल बात करते हैं कि इस प्राइस रेट में एक बेटर गाड़ी, एक अच्छी गाड़ी आप लोगों को कौन सी लगने वाली है या मेरे अकॉर्डिंग कौन सी होने वाली है। तो भाई नो डाउट
टाटा टियागो आई सीएनजी आपको मारुति सुजुकी एस सिलेरियो सीएनजी से काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। और काफ़ी ज़्यादा भाई माइलेज के साइड अगर ना ध्यान दिया जाए तो आपको डेफिनेटली टाटा टियागो पसंद आने वाली है। तो और एन कैप में भी इसने 4 स्टार स्कोर किए थे, तो भाई नो डाउट आप लोगों को अगर इस बजट में 6 से 7 लाख के बजट में एक हैचबैक के साइड अगर आपको जाना है, नो डाउट आप टाटा टियागो के साइड जा सकते हैं जो उसका सीएनजी वेरिएंट आया है। ओके, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।